जब आप बीच पे आए तो बीच वेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फुटवेयर की बात हो रही है इस टाइम पर, क्योंकि जब आप पानी में जाते हैं देर आर मेनी पॉइजनस क्रीचर्स लाइक सी अर्चिन्स और भी बहुत कुछ, जिनके ऊपर आप पैर रखना बिल्कुल नहीं चाहते, उनको भी चोट लग सकती है और आपको तो खैर प्रॉब्लम हो ही सकती है। चप्पल पहनेंगे पानी में बह जाएगी, बाहर छोड़ेंगे या तो हवा से उड़ जाएगी या कोई ले जाएगा, खासकर अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव फुटवेयर हो तो। और अट्रैक्टिव फुटवेयर की जहाँ तक बात आती है तो मेरे पास है मेरा पैरागॉन सैंडल्स, लुक हाउ वंडरफुल दे आर। और बीच पर जब आप आएँ तो इससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन और सैंडल आपके लिए और कुछ नहीं। दिस इज परफेक्ट बीच वेयर, यानी पानी के अंदर आप फुर्सत से इसको घूम सकते हैं। अभी तो बीच बंद है तो हम अंदर नहीं जा सकते, बाहर आएंगे तो सैंड में घूमिए, खूब सारी रेत लगेगी एंड इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो पैरागॉन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पैरागॉन पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड 1975 में शुरू हुआ था केरला के अंदर, डिड यू नो दैट, और अब यह है ऑल ओवर इंडिया एंड मेनी एशियन कंट्रीज। पैरागॉन फुटवेयर जो है पहले रबर फुटवेयर बनाया करते थे, लेकिन इसके बाद अब ये यूज़ करते हैं मॉडर्न पॉलीमर्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मॉडर्न मटेरियल्स टू अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड। और बीच वेयर के लिए मेरे पैरागॉन सैंडल से अच्छा कुछ भी नहीं, कैजुअल वेयर जो आप जीन्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ और ऑफकोर्स लुंगी के साथ पहन सकते हैं। तो अगली बार बीच में आए, पैरागॉन सैंडल्स फॉर वाटर बीच एंड मोर। चलिए कुछ खाते हैं। और देखिए बीच में आए और सी फूड ना खाएं ये तो जाती है, तो आपको लेके आए एक बहुत खास जगह पे, उसके बारे में आपको और बताते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि पाँव जो है ये रेत से भरे हुए हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है चलना। नहीं देखिए देखिए पास आइए आप, देखिए ना। तो बेस्ट तरीका, ईजिएस्ट वे मेरे पैरागॉन सैंडल्स का फ़ायदा ये है कि एक तो वेलक्रो है, एक सेकंड में उतार के बड़े आराम से निकाल लिया आपने, थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डाला, एज गुड एज न्यू, पाव भी एज गुड एज न्यू। एंड अंदर जाके रेस्टोरेंट में बैठ के स्टाइल से खाना खाने के लिए आप है एकदम तैयार। आइए विंजैम हार्बर रोड उस्ताद होटल, इससे अच्छी जगह आपको शायद ही कोवलम में गई और मिले, जहाँ पर आपको लोकल फूड यहाँ का मिल जाएगा और बहुत ही यूनिक तरीके में। किसी से भी आप पूछ लो कोवलम में खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, आंसर इज सेम, नंबर वन उस्ताद होटल विंजैम हार्बर रोड, सुबह 9 बजे से लेके रात के 2 बजे तक एनी टाइम। और ऑप्शन क्या है आपके पास हमें बताने के लिए, शबीर भाई साथ में, शबीर हाउ आर यू? फाइन। सो शबीर, हु स्टार्टेड दिस होटल? I think 30 years back. 30 years back. Yeah. 92, I believe. 92, yeah. And Mr. Asnar Pillai. Yeah. That was your father's elder brother? Brother. Father's brother. Yeah. Okay. और उस्ताद रेस्टोरेंट में आते ही आपके सामने रखी जाती है choices. White snapper, ये है glass fish, ये है squid, ये है prawns, ये है tuna, ये है black snapper, ये है red snapper, pomfret. तो आपको क्या करना है, choose करना है simply. कौन सी चीज़ें आप fry करवाएंगे? एक ही batter में fry होती हैं. वैरायटी ये है कि आपको एक मिल जाएगी नॉन स्पाइसी ग्रेवी, एक स्पाइसी ग्रेवी, और वहाँ से आपकी चॉइसेस शुरू होती हैं। खाना हमने ऑर्डर कर दिया, वन ऑफ एवरीथिंग, कीप इट सिंपल। अब वेट करते हैं और खाना खाते हैं। और खाना सारा टेबल पे पधार चुका है। देखिए जी, शानदार बात यह है कि हालांकि सब कुछ फ्राइड है इन द सेम मसाला सेम बैटर, लेकिन फिर भी वैरायटी जो इतनी है वो फिश के अपने फ्लेवर्स की वजह से है। और खाने के तरीके बहुत हैं दुनिया में, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे आपकी मर्जी हो। मैंने लिया है स्पाइसी वाला, अभी जो ग्रेवी है इसको मैं टैपियोका के साथ या कापा के साथ इसको ग्रेवी को मिलाते हैं, थोड़ी सी फिश उठाते हैं। मज़ा आ गया। देखिए फ्राइड फिश है, साथ में ये वंडरफुल मसाला जो है मेड ऑफ चिलीज, अनियंस, डिफरेंट काइंड ऑफ हर्ब्स, रिच इन स्पाइस, ये खास बात है केरला की। एकदम क्रंची जो ग्लास फिश है उसका फ्लेवर ब्यूटीफुली निकल के आता है जब आप उसको मिर्ची के साथ ट्राई करें। वाइट स्नैपर जो है एक्सट्रीमली डेलिकेट फिश, इतनी फ्रेश है। अगर आप इसको स्मेल भी करते हैं तो एक जो फिशी फ्लेवर होता है, इवन द स्मेल ऑफ द ओशन वो भी नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा फ्रेश है, प्योर टेस्ट। और उसके ऊपर अगेन ये ब्यूटीफुल मसाला मिर्ची का, साथ में ये प्याज और हरी मिर्ची वगैरह, इनका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा सेपरेट, बहुत अलग और बहुत रिफ्रेशिंग। तो उस्ताद होटल की उस्तादी इसी बात में है कि फ्राइड मच्छी तो आपको कोई भी खिला देगा साहब, लेकिन ये ग्रेवी, ये प्याज,
ये मिर्ची का जो फ्लेवर है ये आपको कौन खिलाएगा? तो फ्रेश प्रॉन्स अरेबियन सी के सुबह सुबह लाए गए, साथ में फर्मेंटेड मिर्ची, दिस इज टू गुड। स्क्विड जो है वो इस तरह का होता है, ये उसके फिश पीछे की टेल है, ये हेड है, यहाँ से हम इसको अलग करते हैं एंड यू कैन ईट द स्क्विड अगेन प्योर फ्राइड। वाह वाह, अब समझ में आ रहा है कि उस्ताद होटल में आपको किसी भी टाइम खूब सारी भीड़ क्यों मिल जाएगी, सिवाय अभी के, क्योंकि 11:15 का टाइम है, ब्रेकफास्ट वाले जा चुके हैं, लंच वाले आए नहीं, अभी सिर्फ हम हैं, हमारा टेबल है और ये डिलीशियस ग्रेवीज हैं। जो ग्रेवी है बड़ी जेनेरिक, सिस्टमैटिक, सिंपल टाइप ऑफ ग्रेवी, कैरेक्टर उसका टिपिकली नॉर्दर्न फूड जो है, मलयाली फूड जो है, उस टाइप का कैरेक्टर है। स्पाइसेस में हैवी है, कोकोनट की कमी है इस खाने के अंदर, लेकिन मेरे लिए हाईलाइट प्याज और ये बहुत ही शानदार मिर्ची जो प्याज के नीचे छुपा के रखी गई है, ट्रेजर की तरह। ओहो टू गुड, अब क्या खाऊँ, अब क्या खाऊँ।